सेक्स रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम्स लेके लोग आते हैं, और कम से कम भी वैसा हुआ है कि लोगों को पता चल रहा है कि नहीं भाई, इसमें हम कुछ तो भी कर सकते हैं, कुछ सपोर्ट ले सकते हैं, काउंसलिंग कर सकते हैं। इसलिए मेरे पास में काफ़ी ऑनलाइन ऑफलाइन लोग आते रहते हैं। तो मैं आज बात करूँगा कि शीघ्र पतन से ब्रेकअप हुआ, यह पेशेंट के बारे में। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्त न्यू महाराष्ट्र में पिछले 41 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। एक लड़का बहुत ही दबके सब ऑफिस में हमारे ओपीडी में आया, और वो ऐसा देख रहा था कोई मेरे को देखेगा क्या, कोई कुछ पहचान का मिलेगा क्या, मतलब ऐसे डर डर के वो आया। और फिर जैसा उसको रिसेप्शनिस्ट ने पूछा कि भाई बोलिए क्या चाहिए क्या नहीं, बोले मुझे डॉक्टर केळकर को मिलना है क्या वो? ठीक है भाई, मिल लो उनको। फिर आया, फिर बोले कि मुझे बहुत ही डिप्रेस लग रहा है, सैड लग रहा है, मैं बहुत विचलित हूँ और दिमाग काम नहीं कर रहा है, तो मुझे आप दवाई दे दो। मैं बैठो पहले शांति से, क्या हुआ बताइए। होता क्या है कि आजकल जब भी कोई लड़के एकदम 22 25 साल 28 साल ये रेंज में आते रहते हैं ना, लड़की रहो या लड़का रहो, तो पहले अपना डायग्नोसिस ये होना चाहिए, मेरा होते रहता है कि भाई इनका बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का लफड़ा है क्या। लफड़ा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों के प्रॉब्लम्स हैं, उनको लगता नहीं कि ये प्रॉब्लम है, मगर वो प्रॉब्लम है जब वो बाहर से हम देखते रहते हैं, तो थर्ड आए तो। और ऐसा भी हो गया है ये दिनों में कि यदि बॉयफ्रेंड नहीं है लड़की को या गर्लफ्रेंड नहीं है लड़के को, तो वो ऐसा माना जाता है कि अरे वो तो फॉरवर्ड नहीं है, इसको बॉयफ्रेंड नहीं गर्लफ्रेंड नहीं, ऐसा कैसा लड़का है या लड़की है। मतलब वो होना ये तो एक स्टेटस की निशानी है। इसके अलावा मैं ऐसा बोलता हूँ कि जो पेशेंट मेरे पास में आते, समझ चलो 99% लोगों का एक्स्ट्रा मराठी या प्री मराठी है ही है। और इसके लिए फिर मैं तो मानता हूँ कि अभी मीडिया जिम्मेदार है, सोशल मीडिया जिम्मेदार है, क्योंकि ये इतने दिनों में बहुत ज़्यादा तैयार हुआ है। फेसबुक के ऊपर लोग फ्रेंडशिप करते हैं, इंस्टाग्राम के ऊपर फ्रेंडशिप कर लेते हैं, मालूम हो जाता है, खोटे नाम खोटे पिक्चर बताते हैं, और फिर बाद में असलियत अलग ही निकलती है। ये जो लड़का आया तो ये नर्वस डिप्रेस्ड बोलता, मुझे लगता है कि मैंने खुदकुशी करना चाहिए। बोले भाई हुआ क्या बताइए। नहीं कुछ नहीं हुआ, ऐसा लगता है कि मरना। बोले ऐसा नहीं चलता, बताओ क्या हो गया, तो सच्ची बताओ, क्योंकि आप सच्ची बताएंगे तो दैट विल सेट यू फ्री, आप फ्री हो जाएंगे। सच्ची बताओ क्या हुआ। बोले आप बताएंगे नहीं किसको, मैं नहीं बताऊँगा। तो पहले उसने बताया कि भाई उसके साथ में मिलना जुलना घूमना फिरना चालू था, धीरे धीरे उसका सेक्सुअल रिलेशनशिप मतलब सेक्स रिलेशनशिप तैयार हुआ, और उसमें उसका जल्दी हो गया। अब जल्दी हो गया तो ठीक है, लड़की को भी समझाने, उसको भी समझाने, कुछ तो भी गड़बड़ गड़बड़ में कहीं तो भी बगीचे में कर लिया। मगर जब उनका बार बार होने लगा और वो लड़की को समाधान नहीं हुआ, तो वो उसको बोलने लगे कि आप आते भी हैं, मुझे कुछ मज़ा भी नहीं आता है, मुझे तो अधूरा छोड़ देते हैं, और ये कैसा क्या। अब उसको समझ में नहीं आ रहा करना क्या, कि भाई इसका इलाज होता है कि दवाई लेना पड़ेगा या कुछ काउंसलिंग करना पड़ेगा, ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जैसा वो लड़की ने इसके ऊपर प्रेशर डाला कि तुम्हारा तो जल्दी हो जाता है, और फिर वो धीरे धीरे उसको अवॉइड करने लगे, फिर उसको डाउट हुआ कि वे कहीं और लग गई और कोई दोस्त उसने बना लिया होगा शायद। धीरे धीरे झगड़ा झंझट चालू हो गए और उनका ब्रेकअप हुआ। तो उसके बाद में फिर मूल कारण जो था वो तो ठीक नहीं हुआ। बोले ठीक है, ये लड़की चली गई तो चली गई, और वो लगा कोशिश में कि और कोई गर्लफ्रेंड करते हैं, उसने और गर्लफ्रेंड किया, सेम स्टोरी रिपीटेड। और उसको भी लगा कि अभी तो मैं तो कोई काम का नहीं हूँ, निकम्मा हूँ, मेरी शादी होने के बाद में कैसा होऊंगा, लड़कियाँ अभी मुझे छोड़ के जा रही है, अभी ब्रेकअप हो रहा है तो बाद में तो डेफिनेटली डिवोर्स तक ही चले जाएंगी, और मैंने शादी भी नहीं करना चाहिए, और बेटर फिर माँ बाप उधर बोल रहे कि नहीं नहीं अभी शादी का समय है, अभी देखना चालू करो लड़कियाँ, तो उनको भी बोल नहीं सकते, तो इसके जरिए तो मैं तो ठीक नहीं हो जाऊंगा और मैं खुदकुशी कर लूँगा। समाओ उसको मालूम पड़ा, मेरे पास में आया, फिर उसको मैंने बोला भाई आपको हो रही है परफॉर्मेंस एंग्जाइटी, और उसके वजह से हो रहा है प्री मैच्योर इजैकुलेशन, दोनों भी ठीक हो सकते हैं, मगर ऐसा नहीं कि आप दवा ले लो ठीक हो जाएंगे,
आपको करनी पड़ेगी शांति से ट्रीटमेंट, काउंसलिंग। फिर उसको मैंने पूरा काउंसलिंग किया, उसको 2-3 सेशन बुलाया, उसको स्टॉप एंड स्टार्ट टेक्निक के बारे में बताया, फीमेल सुपीरियर पोजीशन के बारे में बताया, स्क्वीज टेक्निक के बारे में बताया, कीगल्स एक्सरसाइज के बारे में बताया। उसके दिमाग का जो था कि नहीं मैं निकम्मा हूँ, मैं आदमी में नहीं हूँ, मैं खुदकुशी कर लूँगा, तो वो जो सेल्फ एस्टीम उसका डाउन हो गया था, उसके बारे में चर्चा हुई। धीरे 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 उसमें से बाहर आया। फिर मैंने बोला अभी तुम पहले वही मत करो कि भाई और लड़की के पास में जाएंगे ना और वैसे ही रिपीट हो जाएगा। मैं तुमको दावे से बताता हूँ कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको हो रही एंग्जाइटी। फिर आपको दो ही अभी चॉइस है, एक तो ऐसी लड़की, ऐसी गर्लफ्रेंड की जो आपके साथ में कंटिन्यूसली रहेंगी रिलेशनशिप में 7-8 दिन तक, और मैं आपको काउंसलिंग करूँगा और ये सब टेक्निक सिखाऊंगा, एक तो वो है। नहीं तो शादी कर लो, शादी के बाद में सब कुछ ठीक हो जाएगा, काउंसलिंग करेंगे। तो बोले दोनों भी अभी पॉसिबल नहीं है। मैंने ठीक है, अभी निश्चिंत रहो, जब भी कभी आपको लगेंगे मेरे पास में आना, मैं आपको काउंसलिंग के जरिए पूरा ये प्रैक्टिकली समझा के दूंगा आपको। जाना सेक्स करना मेरे पास में आना, जाना सेक्स करना मेरे पास में आना। और सेम लड़की, बदलने का नहीं है, रिलेशनशिप में रहो यदि आपको डर लगता है कि शादी नहीं करना है तो, और फिर वो आप जा सकते हो, और नहीं तो फिर शादी के बाद में करो, चॉइस आपका है। मेरे तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं कभी किसी को रिकमेंड नहीं करता हूँ कि आप सेक्स वर्कर के पास में जाओ या रिलेशनशिप में रहो या गर्लफ्रेंड करो, वो मेरा काम नहीं है। मेरा काम यह है कि आपको जो प्रॉब्लम आ रहा है उसका सोल्यूशन आपको ढूंढ के देना। तो चॉइस आपका है, बोले शादी करूँ क्या, मतलब वो भी चॉइस आपका है, शादी नहीं करूँ क्या, वो भी चॉइस आपका है, गर्लफ्रेंड तीसरी करूँ क्या, मुझे मालूम नहीं, आप देखो, चॉइस आपका है। वीडियो आपका अच्छा लगा तो जरूर लोगों को शेयर करो। थैंक यू वेरी मच।